शांति ओम शांति ओम शांति। अपने आप में क्या होना है? खो जाना, खुद में खो जाना। खुद में खो जाना का क्या है? खुदा में खो जाना। खुदा का गुण और हमारे आत्मा के गुण में कोई अंतर है क्या? अंतर है? आप शुद्ध आत्मा के गुण और परमात्मा के गुण में कोई चेंज है? आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, सब पूरी रीति से ध्यान देकर के सुनो। आप सभी 1000 लोगों के सभा में हैं। आपके सामने एक सुंदर बॉक्स है। आपके सामने क्या है? सुंदर बॉक्स। वो बॉक्स देखते देखते आपको विचार आता है कि बॉक्स इतना अच्छा है तो इसके अंदर क्या होगा? मन होता है इसको देख। बॉक्स के अंदर क्या करते हैं? जो कोई भी रहता है उस समय जाकर के उस बॉक्स खोलते हैं। उस बॉक्स में एक हीरा रहता है। वो हीरा को आप ऐसे उल्टा करके उसको ऐसे ऐसे अपने हाथ में महसूस करके, वाह इतना अच्छा है, ऐसे आप एक फीलिंग करके उस हीरे को उस बॉक्स में रख करके वो बॉक्स बंद कर दे। फिर आप 1 महीने के बाद उसी बॉक्स को देखते हो तो आपको क्या नजर आता है? सभी को बॉक्स देखने में आता है, आपको क्या देखने में, क्या देखने में आता है? क्यों, क्यों आप बॉक्स को खोल के और बॉक्स के हीरा को उठा के उस हीरा को फील करके फिर उस हीरा को रख दिया तो कब भी वो बॉक्स देखे तो भी आपको बॉक्स देखने में नहीं आता है, आपको हीरा ही नजर। तो इस शरीर क्या है? बॉक्स। इसके अंदर शुद्ध आत्मा क्या है? आप 40 मिनट किसको देखा? हीरा को देखा। अभी 40 मिनट देखने के बाद हीरा क्या हो गया? फिर बॉक्स में आ गया। अभी आप किसी को देखेंगे तो किस नजर से देखेंगे? तो सब आत्मा कौन से आत्मा है? शुद्ध आत्मा। इससे कभी कैटेगरी नहीं करना, ये लौकिक वाला, ये तो अज्ञानी वाला, ये तो विकारी, ये तो ऐसे कैटेगरी मुस्लिम है, ये तो कृष्ण। नो, सब आत्मा क्या है? शुद्ध आत्मा है। कौन से आत्मा है? समझो सुबह सुबह आप उठा, आपके सामने दिल्ली आया तो सब लोग बोलते आज तो आपको अपशकुन हो जाता है, लेकिन आज से आपको क्या संकल्प आना है? आपके आगे कौन आया? शुद्ध आत्मा, चाहे वो पशु हो प्राणी हो, सब में आत्मा होता ही नहीं होता है, तो सब आत्मा को ओरिजिनल स्टेज क्या है? शुद्ध आत्मा। आज से एक दृष्टि को हम पूरा रीति से फिक्स कर देंगे, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा है, सबके अंदर शुद्ध आत्मा है, मैं उसी एक दृष्टि से देखता हूँ, वो आप उठाएं। मैं हर एक को शुद्ध आत्मा की नजर से देखता हूँ। कोई गाली दे रहा है तो भी किस नजर से देखना है? कोई आपको बारे में बहुत निंदा कर रहे हैं तो किस नजर से देखेंगे? एक बार देख के आप अनुभव करो। आप जब उसको जो गाली देने वाला, निंदा करने वाला, आरोप लगाने वाला, उसको शुद्ध आत्मा के नजर से देखेंगे ना, तो उसके मनोदृष्टि क्या हो जाता है पता? आपके वाइब्रेशन, जैसे हीरे में क्या होता है? प्रकाश। वैसे शुद्ध आत्मा का प्रकाश क्या है? वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंच जाता है, उस आत्मा तक पहुंच करके उसकी भावना आपके प्रति चेंज हो जाता है, आपके प्रति क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये है आत्मा का प्रभाव। क्या प्रभाव? शुद्ध आत्मा का प्रभाव। सभी पक्के हैं इस बात में? सभी पक्का है? कौन से आत्मा?